ये क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है अब आपके लिए। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आया था, डिफिकल्ट आ गया था। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस, सेंड लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज दिस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, फर्स्ट ए और बी। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है आपको? ए की और बी की। ए और बी का मतलब क्या हो गया? या तो ए आइदर बी, क्लियर है? तो और आइदर वर्ड आ जाता है तो एडिशन थ्योरम आपका लगता है कि प्रोबेबिलिटी ए की बताओ, प्रोबेबिलिटी बी की बताओ। तो सिंपल है इसका इसका मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एडिशन थ्योरम लगेगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या रहेगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 3/10। सॉल्व करेंगे 10, 5 प्लस 3, 8/10, 4/5। क्लियर है बच्चे? सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी मतलब ए के अंदर बी नहीं होना चाहिए, तो इसको कहते हैं ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। पहले आप ट्राई करें सारे क्वेश्चन। देखिए बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिवर्सल बी, ये निकालना है ए और बी का। ए का भी निकालो, बी का भी निकालो, दोनों का निकालो, बट कोई रिपीट नहीं हो। इसका मतलब ये होता है ए और बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, एंड सॉल्व करेंगे आप 1/2 प्लस 3/10 माइनस 1/10, एलसीएम लेंगे 10, और आपके पास में 5 प्लस 3 माइनस 1 एंड 7/10। अब नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, नॉट बी तो बी नहीं होना चाहिए दिस वन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए होता है इसका मतलब। ओनली ए मतलब कैसे निकलोगे आप? आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में दो चीज़ें हैं, एक तो ओनली ए भी है और बोथ वाला भी इसमें बैठा हुआ है, अभी बताया था मैंने आपको, क्लियर है? दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में दो चीज़ें हैं, एक तो ओनली ए है और बोथ वाला भी इसमें बैठा हुआ है, तो इसमें से माइनस कर दोगे बोथ वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/2, और बोथ वाला क्या है आपके पास में? 1/10, एलसीएम लेंगे 10, 5 माइनस 1, 4/10, सॉल्व करेंगे 2/5। क्लियर है बच्चे? सिमिलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा? बट नॉट ए, ए नहीं चाहिए, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। ओनली बी कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में दो कैटेगरी है, ओनली बी और बोथ, तो बोथ वाला माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास में क्या है? 3/10, क्लियर है बच्चे? एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/10, एंड सॉल्व करेंगे 2/10 एंड 1/5। अब बच्चे, नाइदर ए और नॉर बी बताया था मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनिवर्सल, बी माइनस, सॉरी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिवर्सल बी। क्लियर है बच्चे? अभी समझा दिया मैंने कि दोनों में से किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए मुझे, दोनों के एक तरीके से दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, दोनों में से किसी की नहीं चाहिए तो मतलब दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी को एक में से टोटल पॉसिबिलिटी होती है, दोनों के होने की माइनस कर दो, दोनों की ना होने की आ जाएगी। तो वन माइनस आपके पास में निकाला था हमने ए यूनिवर्सल बी 7/10, तो 3/10 ये मेरा आंसर है। तो आपको समझ में आया बच्चे ये क्वेश्चंस आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है? छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, पूरा सिलेबस आपका करवा रहा हूँ, समय लगेगा लेकिन फुल कोर्स भी आपको करवा रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? नहीं तो आप ऑफलाइन कोचिंग के अंदर भी अगर आप जो है 20-20 हज़ार रुपये भी अगर आप फीस दे रहे हैं तब भी फुल कोर्स लेकर के, इतना डिटेल में कोर्स और फुल कोर्स लेकर के वहाँ पर भी नहीं चल रहा होगा गारंटी है इस चीज़ की, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है 500 रुपीज़ ऑनलाइन फीस के अंदर ही आपको सब कुछ करवाया जा रहा है प्रोबेबिलिटी का। देख रहे हो कितने कितने लेक्चर्स हैं, तो पूरा कोर्स कवर करवा रहे हैं, कुछ भी उसमें नहीं छोड़ रहे हैं। टू अनबेस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नाइदर आर द डबल्ट नॉर द, देखो बच्चे, टू अनबेस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर आ डबलेट, नाइदर आ डबलेट का मतलब क्या होता है? डबलेट मतलब वन वन, दोनों डाइस पे वन वन आ गया, टू टू आ गया, थ्री थ्री आ गया, फोर फोर आ गया दोनों डाइस पे, फाइव फाइव आ गया एंड सिक्स सिक्स आ गया, ये तो डबलेट होता है। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, डबलेट क्या होगा? एक दो तीन चार पाँच छ, 6 out of 36, 1/6 हो गया। ठीक है बच्चे? और पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट तो देख लो ना क्या हो गया, उसके बाद नॉर आर टोटल ऑफ 10, टोटल ऑफ 10, तो पहले टोटल 10 कैसे निकल सकता है आपका? टोटल 10, टोटल ऑफ 10 विल अपियर, तो वन के नहीं आएगा, टू के केस में नहीं आएगा, थ्री के केस में भी नहीं आएगा, फोर के केस में आएगा, सिक्स और फाइव के केस में आएगा, 10 जब, और यहाँ पे सिक्स हो गया एक डाइस पे, मैंने डाइस में पूरा करवा रखा है, और एक सिक्स के साथ में आ जाएगा, ये हो गया। तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 10 कितना हो गया आपका? 3 out of 36, 1/12। अब बच्चे इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, दिस वन, ये दोनों में क्या कॉमन है? वन एलिमेंट कॉमन है आउट ऑफ 36। क्लियर है? पूछ कह रहा है, अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर डबलेट नॉर अ 10, कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर डबलेट नॉर आ टोटल ऑफ 10, ये कैसे निकालोगे आप? ये आप निकालोगे बच्चे वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक को मैं बोल देता हूं पी, दिस वन, सॉरी, इसको मैं बोल देता हूँ इवेंट ए। ये कौन सा इवेंट है? ये हमारे पास में इवेंट ए है डबलेट का, और तो 10 का इवेंट मैंने इसका नाम दे दिया बी, लेट बी कर लिया मैंने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिवर्सल बी। क्लियर है बच्चे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या निकालना होगा? ए यूनिवर्सल बी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, समझ में आ रहा है बच्चे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनिवर्सल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या निकाला हमने 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकाला हमने 1/12। अगर मैं नहीं काटता तो ठीक था, क्योंकि 36 36 सबके नीचे सेम रहता हूँ, एलसीएम का चक्कर नहीं पड़ता। काट दिया तो काट दिया, चलो छोड़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/36, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिवर्सल बी इक्वल्स टू 36, 6 + 3 माइनस 1, 8/36। सॉल्व करा आपने, 4 से 2 और 2/9, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आ गया ए यूनियन बी का। अब ये सॉल्व करेंगे तो 1 - 2/9, तो क्या आ जाएगा 7/9। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बच्चे, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये देखो बच्चे, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन इसमें कितना कुछ आपको करना पड़ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आप ऑफलाइन कोचिंग में आप 20 20,000 रुपीज़ फीस पे करने के बाद भी आपको जो है इतने डिटेल में कोर्स नहीं मिलेगा जितना कि आपको ऑनलाइन में आपके पास में कोर्स आपको अवेलेबल है। क्लियर है? जितना आपको डिटेल में कोर्स है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक लाइन के क्वेश्चंस को आप किस तरीके सॉल्व करेंगे, और पूरा आपको कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। यूट्यूब के अगर उस पर रह जाओगे कि आपका फ्री कंटेंट इधर उधर से आप अरेंज करोगे, तो उसमें आप वो डिटेल में अपने कोर्स की आप नॉलेज नहीं ले सकती हो, क्योंकि अभी तो ये प्रोबेबिलिटी है, आपको जो कोरिलेशन रिग्रेशन हिला के रख देगा। तो सब कुछ अच्छे से सीखने के लिए अच्छे से आपको समय देना पड़ेगा। अगर ग्रेजुएशन को मजाक में लेंगे तो मजाक में मार्क्स भी आएंगे और वो मजाक बना देगा, और 50% के आसपास से अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो उस ग्रेजुएशन का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप आगे किसी भी बड़े एग्जाम्स के अंदर आप नहीं बैठ पाओगे। तो दोबारा से ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। इसलिए अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको जो है, आपको शुरू से ही और अंत तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, आपके थोड़ा सा कोर्स बड़ा डिटेल में है, उसके लिए प्रॉपर टाइम देना होता है। उसको आप लाइटली ले लोगे, सोचोगे साइड बाय साइड हो जाएगी, तो हो तो जाएगी लेकिन किसी काम की नहीं रहेगी वो। क्लियर है बच्चे? फिर आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जिसमें कि आपको पकौड़े तलने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि आप किसी रोजगार के लायक नहीं बचोगे। वो बाकी आपकी जीवन है, आपकी इच्छा है, आप क्या करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।